हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर आबादी खेती किसानी के साथ ही पशुपालन पर भी निर्भर है। ऐसे में किसान गाय भैंस बकरी सुअर पालन के साथ ही मुर्गी पालन का काम भी कर रहे हैं, जिससे वह अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम जमीन पर भी शुरू हो सकता है और लागत भी कमाती है, इसीलिए मुर्गी पालन का काम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मुर्गी पालन करने वाले किसानों के लिए ज़रूरी होता है कि मुर्गे से अत्यधिक अंडा उत्पादन के साथ ही चिकन का उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए वह मुर्गियों के स्वास्थ्य से लेकर उनके चारे का भी इंतजाम करते हैं, जिससे वह उनसे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें। ऐसे में कुछ मुर्गी पालक किसान अपनी मुर्गियों को पीले गेंदा को चारे के रूप में देते हैं, जिससे मुर्गियों के अंडे में वजन की वृद्धि के साथ ही अंडा उत्पादन में वृद्धि होती है। रायबरेली के राजकीय पशु चिकित्सालय सिवगढ़ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत वर्मा बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान असम के कृषि विज्ञान केंद्र ने चारे के संकट से जूझ रहे मुर्गी पालकों को पीले गेंदे की पंखुड़ियों को सुखाकर उन्हें मुर्गियों को चारे के रूप में देने की सलाह दी थी, जिसे किसान तब से लेकर आज तक अपना रहे हैं। साथियों बताते हैं कि जर्नल ऑफ फ्लैटरी साइंस के अनुसार गेंदे के फूल के अर्क के बारे में अध्ययन किया गया, तो उस अध्ययन में पाया गया कि मुर्गियों को गेंदा का फूल चारे के रूप में खिलाने से अंडे की जर्दी यानी कि पीला भाग उसमें वृद्धि होती है, साथ ही मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी कारगर होता है, इसीलिए पशुपालक इसे खिला सकते हैं। देखिए, मुर्गी पालन एक अच्छा व्यवसाय है जो कम लागत में और कम जमीन में किया जा सकता है। हमारे देश में तमाम किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, तो मुर्गी का व्यवसाय करना एक उनके लिए फायदेमंद जरिया हो सकता है आमदनी कमाने के लिए। जहाँ तक मुर्गियों के में गेंदे के फूल खिलाने की बात है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब कोरोना के दौरान असम में लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ के मुर्गी फार्मर्स में फीड की अत्यधिक कमी थी, इसके वहाँ के वैज्ञानिकों ने मुर्गी को ये जो पंखुड़ी होती है पीले गेंदे के फूल की, उसकी पंखुड़ी खिलाए, तो उससे बेहतरीन रिजल्ट निकला। बाद में रिसर्च में भी पता चला कि उनके जो पंखुड़ी के जो फूल होता है उसमें एक अर्क पाया जाता है जो कि मुर्गी के जो अंडे देती है उसके जर्दी के भाग यानी पीले वाले भाग को बढ़ाती है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है, अंडे की साइज बढ़ जाती है, और मुर्गियों में इसको खिलाने से रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाती है, तो मुर्गियों में अंडे में भी बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन ए की, और इससे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है मुर्गियों में। तो एक इसको खिलाने के लिए जल्दी 100 किलो की फीड में 2 से 3 किलो इसके पंखुड़ी को सुखा हुआ उसमें मिलाकर खिलाने से इससे लाभप्रद रिजल्ट प्राप्त।